दस लीटर निकालो जो दस निकाली उसमें तो भैया लग रहा है जो सब एक ही है सर, साइन है आपके इसमें, और एक ही है कनेक्टेड है वो। हाँ हाँ पूरा सही, एकदम सही है। अच्छा यही सर। उधर है क्या, पेट्रोल है कि डीजल है? बंदी होती है अरे कुछ कम है इसका क्या? दोनों चला जाएगा लेकिन ये है कि अगर 20-20 ग्राम से शाम तक जो है 20 लीटर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और बिक्री कितनी है एक दिन में? अभी ये ऊपर चला गया क्या कुछ था? वही वही वाला, वहाँ वाला भी है 18 पैसे बीस का मतलब 50 लीटर इनको मिल जा रहा है दिन में। वो ठीक सर जो है 20 ml कम है लेकिन सर ये है कि वेरिफिकेशन यूज करा उसमें काम होगा? नहीं सर की 25 पे, अब अगर 25 से कम पे है तो खाली इनको चेतावनी देके मशीन ठीक कराई जाएगी, ये कैलिब्रेट करानी पड़ेगी सर इनको फिर से। इसकी जमा होगी, इसकी जो है ऐसा आवाज ये खाली कर दो खराब वाला फिर है सर। मोटर चालू रखेंगे ये बता दीजिए इनको इतना।
वहाँ दोनों मशीनें इतनी बढ़िया चेक हुई है, यहाँ तो दो बार की बीस का है, अब इतनी छोटी चोरी कर रहा है। ये एक दो इधर है सर, मॉडल दो इधर, वो मशीन कोविड चक्कर है। हाँ मैं चेक कर दूँगा। वो जरूर है कि जैसे किसी ने 10 लीटर इन अभियान में पेट्रोल पंपों का चेकिंग अभियान किया, क्या पाया आपने? आज हमने 3 पेट्रोल पंप चेक किए हैं। एक रिलायंस का पेट्रोल पंप चेक किया गया है, एक मौर्या का पेट्रोल पंप है जो इंडियन ऑयल का है वो, और ये तीसरा इंडियन ऑयल का जिसकी डीलरशिप फरीद खां के नाम पर है। 3 पेट्रोल पंप चेक किए गए हैं। तो रिलायंस पेट्रोल पंप की जो मशीनें चेक की गई, सारी मशीन चेक की गई उनकी, उनका बिल्कुल जो कैलिब्रेशन सही पाया गया, यानी 5 लीटर जो हम लोगों ने बर्तन में तेल निकाला बिल्कुल ठीक मिला। इसके अलावा मौर्या की मशीनें चेक की गई, वहाँ भी 5 लीटर पूरा पाया गया है। यहाँ फरीद खां जो डीलरशिप है जिनकी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है इनका, इसमें 4 मशीनों में गड़बड़ पाई गई है। 2 डीजल की मशीनें 20 ml 5 लीटर पर कम पाई गई हैं, और एक पेट्रोल की मशीन 20 ml कम पाई गई है। एक पेट्रोल की मशीन लगभग 20 ml एक्सेस दे रही है। उसको कैलिब्रेशन करने के लिए चारों मशीनों को पुनः बाटवा निरीक्षक को आदेशित किया गया है कि इनको कैलिब्रेशन कराएंगे और इनको रोकेंगे, इससे जो है तेल का मापन ना किया जाए, तेल किसी को ना दिया जाए।